बड़ा मुश्किल है ऐसा दोस्त मिलना, ऐसा इंसान मिलना। सतीश जी का जाना पहली बात तो हमें भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है। कितने साल लगेंगे ये महसूस करने में कि वो नहीं है? सहारा जो है वो आज एक वो नहीं है, अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि वो नहीं है। सतीश कौशिक ने मेरे सिर्फ दोस्त हैं 45 साल से। मेरी आदत इसलिए कि रोज़ सुबह हम बात करते थे 8 बजे, और उनके बारे में हैं सिलसिले में बात करना भी अपने आप एक अजीब सी भावना है, अजीब सी फीलिंग है। मुझे रात को 2 बजे मेरे डोमेस्टिक हेल्प ने उठाया और मैं सोया हुआ था, तो उन्होंने कहा सतीश जी, तो मुझे लगा सतीश जी रात को 2 बजे घर आए। मैंने कहा बिठाओ मैं आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं सतीश जी चले गए। तो मेरे परसों तो घर पर आए थे मेरे बर्थडे पे रात को खाना खाने, और बड़ा मुश्किल है ऐसा दोस्त मिलना, ऐसा इंसान मिलना। अभी तो हम सब सदमे में हैं, मुश्किल है इस बात को कितने साल लगेंगे ये महसूस करने में कि वो नहीं है। मैं जुलाई 75 में उनसे मिला था, जब वो ड्रामा स्कूल में मेरे क्लास पे मेरे बेंच पे बैठे थे, और परसों रात तक हम साथ में थे। कल शाम को मेरी उनसे 8 बजे बात हुई, और उन्होंने कहा मैं कल आता हूँ, फिर मिलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, तो जो दोस्त होता है वो कभी कभी रिश्तेदारों से ज़्यादा करीबी होता है। आप रिश्तेदारों से, शायद अपने भाइयों से, माँ बाप से वो बातें नहीं करते हैं जो दोस्त से करते हैं, क्योंकि दोस्त को आप अपनी असफलता के बारे में, अपनी सफलता के बारे में, अपने हार्ट ब्रेक्स के बारे में, और दोस्त जो है वो सहारा होते हैं, और वो सहारा जो है वो आज एक वो नहीं है। एंड ये वो उनकी जगह कोई भर नहीं सकेगा। बतौर एक्टर, बतौर कलाकार, उनका जैसा कलाकार नहीं, उनके जैसा प्रोफेशनल नहीं, एंड मैंने वैसा हंसमुख इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। बात बात पे वो अपनी फेलियर पर हंसते थे, ज़िंदगी के हर ट्रेजेडी को वो मजाक में लेते थे। सो देश ने आज एक अच्छा इंसान खोया, बेहतरीन कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और मैंने अपने जीवन का एक अंग खोया। सर, आपसे मुलाकात हुई थी उनकी, आप कह रहे हैं कि एक दिन पहले, क्या बात कर पा रहे हैं आप लोग उनसे, लगातार कांटेक्ट में हैं, क्योंकि आगे की प्रक्रिया आप लोगों को मिलकर करनी है? दिल्ली में है, दिल्ली में, बिकॉज ही इज़ अ नोन पर्सन, तो उनका पोस्टमार्टम होगा, और अभी वो हॉस्पिटल में है। वहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद कोशिश है कि वो एयर एम्बुलेंस से यहाँ लाए जाएंगे, और अगर सूर्यास्त नहीं हुआ तो आज ही उनका हम, मतलब शशि जी और उनकी जो बेटी है वंशिका से पूछकर, उनके परिवार वालों से पूछकर, उनके बड़े भाई से पूछकर उसका इंतजाम फिर आज करेंगे। हाँ सर, आपकी 2 दिन पहले आप कह रहे हैं कि आपके बर्थडे पे खाना भी खाने आए थे, क्या इस दौरान कोई इस तरह प्रॉब्लम थी? नहीं नहीं, कोई अचानक से हार्ट अटैक अचानक ही आता है, हार्ट अटैक अचानक होता है। दैट मेडिकली आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द डेथ, मेडिकली मैं नहीं जानता, बट इट इज द कॉज ऑफ द डेथ टोल्ड टू मी इज दिस हार्ट अटैक। अनुपम सर, आपकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी शुरुआत से लेके सफलता के मुकाम तक, जिस तरीके से खट्टी मीठी आप लोग की यादें हैं, और जब भी आप लोग पब्लिक इवेंट पे आते थे बहुत कमाल की कैमराडरी आपकी दिखती थी, जहन में कोई ऐसी बात जो हमेशा रहेगी? ये 25 दिन तक ये इंटरव्यू चल सकते हैं अगर सतीश जी पे मैं बात करना शुरू करूँगा। मैं, सतीश और अनिल, हम 40 साल से दोस्ती निभा रहे हैं। सतीश अनिल विदेश में हैं, अनिल कपूर साहब, उनका भी बहुत ही डेवस्टेटेड सा फ़ोन आया मुझे, और हम जब कोई भी दोस्त साथ होते थे तो तीसरे की बुराई करते थे, अगर मैं और अनिल साथ हैं तो सतीश की बुराई करते थे, सतीश और अनिल साथ में होते तो मेरी बुराई करते थे, और बुराई जो है वो बड़ा पॉजिटिव समझा जाता था। तो मेरी माँ, उन्होंने बोली कि भाई तुम आ जाना, तो उस दिन आए नहीं थे। उस दिन रात को फिर खाना खाया, कल फिर मेरी बात हुई थी, सुबह भी हमारी रोज़ सुबह हमारा ये होड़ लगी होती थी कि कौन पहले फ़ोन करेगा, कौन जल्दी उठ के फ़ोन करेगा। एंड ग्रेट फादर इज़ अ ग्रेट फादर, एंड वंशिका छोटी है, आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट द मीडिया टू गिव देम द प्राइवेसी एंड द डिग्निटी दैट ही डिज़र्व्स,
और मैंने आपसे इसलिए आके बात की क्योंकि एक आदमी को बात करनी है, ज़रूरी है, और दैट्स इट। और क्या कुछ अनुपम सर, आप क्योंकि शुरुआती दिनों से सतीश जी के फ्रेंड रहे हैं, क्या कभी उन्होंने मेडिकली कोई शिकायत आपको कभी कही? नहीं, कभी ऐसे तो मेडिकली कोई शिकायत तो किसी को, आप यहाँ पर जितने भी हैं आपने किसी को तो कोई मेडिकल शिकायत है? आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट इट हैड टू हैपन अनफॉर्चुनेटली एंड इट हैपेंड एंड वी ऑल केम फ्रॉम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज एंड मेड इट अपने बलबूते पे। यहाँ हमने अपना नाम कमाया, मेहनत पर का नाम कमाया। अभी उनकी फिल्म अभी कंप्लीट की है कागज़ 2, दूसरी फिल्म बनाने की सोच रहे थे साथ में, नाटक करने की सोच रहे थे मेरे साथ। हमने कहा यार दो लोगों का नाटक करते हैं, दो यंग लोगों का नाटक करते हैं एंड दैट्स इट, इट्स नॉट। सतीश जी का जाना, पहली बात तो हमें भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि हम दो तीन दिन से पहले भी हम साथ में थे, होली मनाई हम लोगों ने, और हमारी इंडस्ट्री के लिए, थिएटर इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए और टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक घातक, हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे थिएटर एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। शब्द नहीं है हमारे पास सतीश जी की के बारे में बोलने का, बिकॉज इट वॉज टू सून एंड टू अर्ली, इज रियली शॉक। पूरी इंडस्ट्री सत्ते में, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि खबर सच है कि गलत है, ऐसा कैसे हो गया, कल सुबह ही दिल्ली गए थे और सबके टच में थे। मैंने हाल ही में सतीश जी के साथ एक फिल्म कंप्लीट की जो हमने प्रोड्यूस भी की, सतीश जी उसका प्रोड्यूसर था, द लास्ट शो नाम से, अनुपम खेर साहब भी हैं उसमें। तो लगभग 2.5-3 महीने हम साथ में थे सेट पे, तो भरोसा नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे मित्र, हमारा दोस्त, हमारे भाई इंडस्ट्री का जो है वो हमारे बीच में नहीं है। घर के नीचे हम खड़े हैं, एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं, परिवार को देख रहे हैं, एकदम सुन्न है सब, और अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि वो नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डेड बॉडी जो है वो सतीश जी की दिल्ली से बम्बई शाम से पहले आ जाएगी, और वर्सोवा के जो यारी रोड के बिगनिंग में जो क्रिमेशन ग्राउंड है वहाँ पर उनका क्रिमेशन करेंगे लगभग 5:30-6 बजे करीब। तो ग्रेट लॉस, वी हैव नो वर्ड्स टू टॉक अबाउट सतीश जी। पूरी इंडस्ट्री सत्य में। अशोक जी क्या कहेंगे, लास्ट मुलाकात आपकी कौन सी थी, क्या कुछ आप लोगों ने बातें की थी? सतीश जी तो लगभग रोज़ ही हमारी बात होती थी, रोज़, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि सतीश जी से हमारी बातें होती, फ़ोन पे या मिलना या जुलना, खास करके अनुपम जी के ऑफिस में, अनुपम जी के काफ़ी जिगरी दोस्त रहे, वो हम सब के दोस्त हैं, वो थे सतीश, और शानदार आदमी था वो उसके चेहरे पर कभी एक किस्म का फ्राउन या एक किस्म का कभी दुख, कभी दर्द हमने देखा नहीं। वो हर टाइम एक्टिव, प्रोएक्टिव, एकदम जान के साथ हर वक्त एक्टिव रहने की कोशिश करता था वो, और पॉजिटिव बंदा था वो, बहुत ही पॉजिटिव था वो, कभी उसने अपने आप को हताश नहीं पाया, वो कॉन्फिडेंस देता था लोगों को, लोगों को पॉजिटिविटी की बातें करता था, और हर बार जब वो किसी नई फिल्म को करता था या नए प्ले को करता तो ऐसा लगता था कि अभी अभी वो एनएससी से पास करके दिल्ली से मुंबई आया है और वो अभी परफॉर्म करने वाला है। मेरा वेब सीरीज़ भी उसने किया चार्जशीट, मेरे शोज़ में भी काफ़ी, हमने साथ काफ़ी काम किया सतीश के साथ। सो इट्स अ ग्रेट लॉस, इट्स रियली अ ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री। आई डोंट नो हाउ द इंडस्ट्री विल फेस दिस ग्रेट लॉस ऑफ सतीश कौशिक। उनकी फैमिली भी काफ़ी सत्य में है, उनकी वाइफ शशि की छोटी बिटिया, समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि क्या ये अचानक हो गया ये, मतलब रात को जैसी खबर आई तो हम सब परेशान घूम रहे हैं, हम सब बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। थैंक यू। हाँ बाइक ले सकते जी, बुलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हेलो, जो लगातार
अशोक जी क्या कुछ कहेंगे सतीश? अशोक जी भी जो है वो सतीश जी के काफी करीबी थे, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार करीबी दोस्तों का आना इंडस्ट्री से जुड़े तमाम दादा दादा शुरू हो गया है। भाई क्या कर रहे हो यार? अरे जावेद साहब खड़े हैं। अरे बाबा तू पार्टी में तो खाई लो पीछे तू जगह नहीं पाएगा मोबाइल आगे तो पार्टी में फुर्ती और वजन कर मोबाइल नहीं है हाँ जी आ रही है बोल तो रहा हूँ आ रही है।